हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम BLIE 227 कैटलॉगिंग ACR 2R एंड Mark 21 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हम ACR एंड Mark 21 की एंट्रीज करते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे और मैं सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगी, किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क लगता है, किस तरीके से एंट्रीज करी जाती है, सबको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो हमारी Part 5 है। इसमें हम देखने वाले हैं बुक्स रिटन बाय 3 ऑथर्स। अगर 3 ऑथर्स की बुक रिटन होती है तो हमें ACR और Mark 21 की कैटलॉगिंग किस तरीके से करते हैं उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, रॉबर्ट एम लिबर्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट स्टोनी ब्रुक, रीटा विक्स नेल्सन, वेस्ट वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रॉबर्ट वी केल, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, प्रिंटेस हॉल, ईगलवुड क्लिफ्स, न्यू जर्सी। अदर इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है कॉल नंबर, एक्सेसन नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेजेस, साइज एंड ISBN नंबर। तो सबसे पहले हम ACR 2R कैटलॉगिंग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ACR की एंट्री करने वाले हैं, ACR 2R की हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन एंट्री करेंगे। मेन एंट्री करने के लिए सबसे आप पहले कैटलॉगिंग कार्ड बनाओगे, ठीक है, जो कि हमारा 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर का होगा। अगर मैं इंचेस की बात करूं तो 5 × 3 इंचेस का होने वाला है। तो सबसे पहले आपने टॉप पे क्या लिखा, मेन एंट्री करें तो मेन एंट्री लिख दिया, देन कैटलॉगिंग कार्ड बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, कॉल नंबर लिखना होता है। तो कॉल नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में लिखना है, कॉल नंबर जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होता है अदर इन्फॉर्मेशन में। तो कॉल नंबर मैंने लिख दिया। कॉल नंबर हमेशा दो चीज़ से मिलकर बनता है, क्लास नंबर और बुक नंबर, ठीक है। तो क्लास नंबर हमारा क्या था, जो नंबर फॉर्म में था वो क्लास नंबर था, और जो हमारा अल्फ़ाबेटिक में था वो हमारा बुक नंबर था। तो इन दोनों को मिलाकर हमने कॉल नंबर इसमें लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट इंटेंशन, ये वाली लाइन जो होती है इसे हम फर्स्ट इंटेंशन कहते हैं, और सेकंड वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड इंटेंशन कहते हैं। तो फर्स्ट इंटेंशन से आपको ऑथर का नाम लिखना है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑथर दे रखे हैं, कौन कौन से, रॉबर्ट एम लिबर्ट, रीटा विक्स नेल्सन एंड रॉबर्ट वी केल, ठीक है। तो ये हमें 3 ऑथर दे रखे थे। मेन एंट्री में हमेशा सबसे पहले हम तीनों ऑथर में से फर्स्ट ऑथर जो गिवन होता है उसकी एंट्री करते हैं, और बाकी के जो 2 ऑथर होते हैं वो हमेशा एडिड एंट्री होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नाम फर्स्ट ऑथर की एडिड एंट्री करने वाले, सॉरी मेन एंट्री करने वाले हैं। तो मेन एंट्री में ऑथर का नाम आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑथर का नेम होता है उसका अपना लिखने का पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको जो सरनेम होता है उसका सरनेम आपको पहले लिखना है, और कॉमा लगा के आपको फर्स्ट नेम लिखना है जो कि है रॉबर्ट एम, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इंटेंशन में लिख दिया। सेकेंड इंटेंशन से आपको लिखना है टाइटल, जो बुक का टाइटल था वो हमारा क्या था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद आपको स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद आपको तीनों ऑथर के नेम लिखने हैं। पहला ऑथर रॉबर्ट एम लिबर्ट, सेमी कॉलन रीटा विक्स नेल्सन, सेमी कॉलन रॉबर्ट वी केल। आपने तीनों ऑथर का नाम लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों ऑथर के नेम लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप लगा के सेमी कॉलन लगाना है, सॉरी फुल स्टॉप लगा के हाइफन का साइन लगाना है, फुल स्टॉप लगा के हाइफन का साइन लगाना है। उसके बाद आप हमेशा क्या करते हो, प्लेस लिखते हो। इसमें एडिशन तो गिवन है नहीं, तो हम प्लेस लिखने वाले हैं, ठीक है। तो प्लेस क्या है हमारा, ये देखिए प्लेस ये रहा ईगलवुड क्लिफ्स न्यू जर्सी। तो ये हमारा प्लेस था, तो हमने ईगलवुड क्लिफ्स कॉमा एक तरीके से न्यू जर्सी आपका हो गया प्लेस। उसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉलन का साइन लगाना है। कॉलन का साइन लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, पब्लिशर लिखना होता है कि पब्लिशर कौन था। तो ये स्टार्टिंग में हमारा पब्लिशर गिवन है, ठीक है। तो पब्लिशर क्या था, प्रिटेंस हॉल, ठीक है। देन उसके बाद आपने कॉमा लगाया, ठीक है, मैं इरेज करके दिखा देती हूँ। आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, ईयर लिखना होता है। ईयर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, ये रहा। इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन से आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले हम पेज लिखेंगे, तो पेज कितना है,
जो प्रिलिमिनरी पेजेस हैं वो हमारे 8 हैं, देन सेमी कॉलन लगा के हमारा नेक्स्ट पेज हमें गिवन है। तो कॉमा लगा के आपको क्या करना है, देखो प्रिलिमिनरी देन उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद 548 पेजेस हो गए हमारे मेन पेजेस हो गए, देन पी डॉट लगा के सेमी कॉलन लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है साइज़ देखना है। ये तो आपने पेज बता दिया, उसके बाद साइज़ बताना है। देखो पेजेस हमारा ये रहा, साइज़ हमारा ये रहा, तो हमने पेजेस यहाँ लिख दिया, सेमी कॉलन लगा के आपको साइज़ बताना है। 24 आपका साइज़ था, 24 सेंटीमीटर डॉट लगा दिया, ये बुक का साइज़ हो गया। उसके बाद उसके लाइन छोड़ के आपको थोड़ा सा गैप छोड़ के उसके जस्ट नीचे ही आप क्या लिखोगे, ISBN नंबर। इस क्वेश्चन में ISBN नंबर गिवन था, तो आपने ISBN नंबर करके आपने एज इट इज़ ISBN नंबर उतार दोगे। उसके नेक्स्ट लाइन पे सेकंड इंटेंशन से ही आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो वन डाल के आप सब्जेक्ट लिखने वाले हो, सब्जेक्ट क्या है इस बुक का, साइकोलॉजी कॉमा डेवलपमेंटल, ठीक है। उसके बाद आप रोमन में वन लिखोगे, सेकंड ऑथर का नाम लिखोगे, सेकंड ऑथर के नाम का वही पैटर्न है, सरनेम पहले लिखा और जो फर्स्ट नेम था आपको उसको बाद में लिखना है। तो नेल्सन कॉमा रीटा विक्स, सेकेंड ऑथर का नाम लिखना है केल्स कॉमा रॉबर्ट वी, ठीक है। उसके बाद थर्ड डाल के आप टाइटल डालोगे, तो आपने फर्स्ट ऑथर की एंट्री करी, पहले आपका जो फर्स्ट एड एंट्री होगी वो सब्जेक्ट की होगी, सेकंड होगी सेकंड ऑथर की, थर्ड जो होगी वो थर्ड ऑथर की होगी, और जो लास्ट होगी वो आपकी होगी टाइटल की, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल ये रहा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मेन एंट्री कैसे करते हैं, मेन एंट्री किस बिहाफ पर करी जाती है, किस तरीके से की जाती है तीन ऑथर के केस में, ठीक है। हमने मेन एंट्री कर ली, मेन एंट्री करने में मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना भूल गई, हमने एक्सेशन नंबर उसमें लेफ्ट हैंड साइड के बीच में हमें लिखना होता है, मैं वो बताना भूल गई। लास्ट की चार लाइन अगर लाइन वाइज दे रखा है तो चार लाइन छोड़ के आप एक्सेशन नंबर लिख देना, और अदरवाइज़ आपका नहीं लाइन में नहीं गिवन है तो आप थोड़ा सा गैप छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड के टॉप मतलब बीच में आप लिख देना एक्सेशन नंबर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने एडिट एंट्री की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो साइकोलॉजी कॉमा डेवलपमेंटल लिखा होता है उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, एडिट एंट्री बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनेगा, या तो आप कह सकते हो एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टॉप पर क्या लिखा, एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट लिखा, देन वही कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर कॉल नंबर लिखना है, जो कि हमें अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है। थोड़ा सा गैप छोड़कर आपको नीचे से गैप छोड़कर आपको क्या लिखना होता है, एक्सेशन नंबर लिखना होता है, वो भी आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। उसके बाद आपको फर्स्ट इंटेंशन से क्या करना होता है, ऑथर का नाम लिखना होता है। ऑथर का नाम हमने जो फर्स्ट में लिखा था मेन एंट्री में जैसे लिखा था वही लिखना है, फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना है, और वो भी अपने ही पैटर्न में। क्या था पैटर्न, लिबर्ट कॉमा एक तरीके से रॉबर्ट एम, ठीक है, ये आपका ऑथर का नाम आ गया। उसके बाद सेकेंड इंटेंशन से आपको टाइटल लिखना होता है, टाइटल क्या गिवन था हमें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो ये हमें टाइटल गिवन था, तो आपने टाइटल लिख दिया, वो भी सेकेंड इंटेंशन से। उसके बाद जो भी एंट्री होगी वो हमारी सेम होने वाली है, इसलिए आप ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो, ब्रैकेट में लिखने वाले हो रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, देन ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अगर आप वापस से वही दोबारा लिखोगे तो ये टाइम वेस्ट होता है और ये लिखने का सही तरीका नहीं है। तो अगर आप मान लो एग्जाम में लिख कर आ जाते हो, ठीक है, दोबारा दोबारा करके आ जाते हो तो मार्क्स कट जाएंगे, वो गलत है, वो पैटर्न ठीक नहीं है। तो आपको यही लिखना पड़ेगा रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने क्या लिखा था वहाँ पे, साइकोलॉजी कॉमा डेवलपमेंटल, तो आपको कैपिटल लेटर में सब्जेक्ट लिखना होता है, वो भी हमेशा सेकंड इंटेंशन से। तो ये रहा सेकंड इंटेंशन, यहाँ से आप लिखने वाले हो साइकोलॉजी कॉमा डेवलपमेंटल, हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है, ठीक है। अभी हमने सीख ली कि सब्जेक्ट की एडिट एंट्री कैसे करते हैं, अब हम सीखने वाले हैं कि जो सेकंड ऑथर की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखे जो लिखा हुआ था वन लिखे हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ था, देन रोमन नंबर में वन लिखे हमारा क्या लिखा हुआ था, हमारा लिखा हुआ था सेकंड ऑथर का नाम, तो उसकी एंट्री होने वाली है। अब हमें करना है एडिट एंट्री फॉर सेकंड ऑथर, फर्स्ट ऑथर का हमारा एडिट एंट्री नहीं होती क्योंकि हमने मेन एंट्री में ही उनका नाम लिखकर एंट्री कर दी थी इसलिए। तो अब हम करने वाले सेकंड ऑथर की, तो आपको टॉप पे सबसे पहले लिखना है एडिट एंट्री फॉर, ठीक है, एडिट एंट्री फॉर सेकंड ऑथर, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर आपने कॉल नंबर लिख दिया, देन जो भी ये रहा अदर इन्फॉर्मेशन में था, देन एक्सेशन नंबर लिख दिया ये रहा, ठीक है, जो भी हमें अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन था थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑथर कौन था, सेकेंड ऑथर था
रीटा विक्स नीलसन हमारे नेक्स्ट सेकेंड ऑथर थे, तो हमें क्या करना है, हमारा अलग ही पैटर्न होता है लिखने का, तो कैसे लिखेंगे, नीलसन पहले लिखने वाले हैं देन कॉमा लगा के रीटा विक्स लिखने वाले हैं। ये जो होगा हमारा सेकेंड इंटेंशन से लिखना है, सेकेंड इंटेंशन से टॉप पर आप लिख दोगे, इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, तो आपको नॉर्मल लिख दोगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटेंशन से ही फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना है जिस तरीके से पहले हमने एंट्री करी थी, एंड उसके बाद आपको सेकेंड इंटेंशन से आपको क्या लिखना है, टाइटल का नाम लिखना है। टाइटल क्या था हमारा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो सेकेंड इंटेंशन से आपने टाइटल लिख दिया इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद बाकी की एंट्री सेम होने वाली है, दैट्स वाई आप ब्रैकेट में लिखने वाले हो रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, ओके। तो ये हमारी हो गई एडिड एंट्री फॉर सेकेंड ऑथर। आई होप आपको समझ में आएगा कि एंट्री करते कैसे हैं। अब हम करने वाले हैं एडिड एंट्री फॉर थर्ड ऑथर, ठीक है। हमने मेन एंट्री कर ली, सब्जेक्ट की एंट्री कर ली, और उसके बाद सेकेंड ऑथर की एंट्री कर ली। अब हमें करना है थर्ड ऑथर की एंट्री, जो कि हमें नीचे अवेलेबल होता है मेन एंट्री में, उसके बिहाफ पर हम करते जा रहे हैं, ओके। तो आप सबसे पहले टॉप पर आप क्या लिखने वाले हो, एडिड एंट्री फॉर थर्ड ऑथर आपने टॉप पर लिख लिया, ठीक है। देन कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है, वही लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर आपको क्या लिखना है, कॉल नंबर लिखना है, थोड़ा सा गैप छोड़ के आपको एक्सेसर नंबर लिखना है। उसके बाद आपका जो सेकेंड इंटेंशन से आपने क्या करा, फर्स्ट ऑथर का नाम लिख दिया, ठीक है, गिरा फर्स्ट ऑथर का नाम सेम पैटर्न से ही लिखना है, लिबर्ट कॉमा रॉबर्ट एम, ठीक है। एंड देन आपको सेकेंड इंटेंशन से आपको क्या लिखना है, टाइटल का नेम लिखना है। टाइटल क्या था हमारा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो ये आपने टाइटल लिख दिया। उसके बाद जितनी भी एंट्री होने वाली है वो सेम होने वाली है, इसलिए आप ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो, ब्रैकेट में लिखने वाले हो रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, देन ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें थर्ड ऑथर की एंट्री करनी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉप पर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे टॉप पर आपको क्या करना है, ऑथर थर्ड ऑथर का नाम लिखना है। थर्ड ऑथर कौन था, रॉबर्ट वी केल था, तो पैटर्न क्या था हमारा, सरनेम पहले लिखना है, तो केल पहले लिख लिया, उसके बाद कॉमा रॉबर्ट वी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी एडिड एंट्री फॉर थर्ड ऑथर हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट में, हमने रोमन नंबर में याद होगा अभी आपने देखा था कि टाइटल लिखा हुआ था, तो हमने सारी एंट्री कर ली, लास्ट हमारी बनेगी एडिड एंट्री फॉर टाइटल। अब हमें करना है एडिड एंट्री फॉर टाइटल, ठीक है। तो आप टॉप पर सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, एडिड एंट्री फॉर टाइटल, ठीक है। उसके बाद आपको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है, कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर आपको क्या लिखना है, कॉल नंबर लिखना है, थोड़ा सा गैप छोड़ के आप एक्सेसर नंबर भी सेम लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट इंटेंशन में ही आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना है, सेम पैटर्न से लिखना है जैसे कि आपने मेन एंट्री में किया था, सब्जेक्ट में किया था, उसके बाद सेकेंड ऑथर में किया था, फिर आपने थर्ड ऑथर में किया, लास्ट हमारा टाइटल वाला हो गया। तो सेम पैटर्न में जिस तरीके से लिखा था उसी पैटर्न में आपको लिखना है। तो आपने क्या लिखना है, सरनेम कॉमा लगा के फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट इंटेंशन से लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सेकेंड लाइन से आपको टाइटल लिखना है। टाइटल क्या था हमारा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपने टाइटल लिख दिया। उसके बाद जितनी भी एंट्री होने वाली है वो सेम होने वाली है, इसलिए आपने ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो टाइटल था वो टाइटल क्या था हमारा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी था, तो इसी की एडिड एंट्री होनी है। तो टॉप पे आपको क्या लिखना है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, नॉर्मल लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं, तो आपको नॉर्मल लिखना है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, जब थ्री का केस होगा, थ्री ऑथर का केस होगा, या आपको मेन एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। मार्क 21 कैटलॉगिंग, अब हम मार्क 21 की कैटलॉगिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। मार्क 21 का जो कैटलॉगिंग का क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से करा जाता है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला कॉलम होता है वो हमारा टैक्स का होता है, हमारा जो सेकंड कॉलम होता है वो कंटेंट का होता है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होता है वो इंडिकेटर का होता है, थर्ड हमारा सब फील्ड का होता है, नेक्स्ट हमारा होता है डाटा, जो कि हमारा लास्ट कॉलम होता है। उसके बाद हमारा जो टैक्स, पहले टैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 0 to 0 है। सबसे पहला हमारा होता है ISBN नंबर। ISBN नंबर हमेशा अदर इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये ISBN नंबर हमारा ये रहा, वो आपका जो ISBN नंबर ये लिखा था इसको आप डाटा में लिख दोगे। नेक्स्ट हमारा टैग आता है 082, ठीक है, जिसका जो होता है हमारा DDC नंबर। DDC नंबर में मैंने आपको बताया था कॉल नंबर लिखते हैं, कॉल नंबर हमारा
क्लास नंबर और बुक नंबर मिलकर बनता है, लेकिन डीडीसी नंबर में सिर्फ और सिर्फ हम क्लास नंबर लिखते हैं जो कि नंबर फॉर्म में होता है, जो कि 155 आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा आता है 100, जो कि होता है मेन एंट्री पर्सनल नेम। मेन एंट्री करी जाती है पर्सनल नेम की, ठीक है, जो हमारा ऑथर का फर्स्ट ऑथर का पर्सनल जिसे मेन एंट्री करी थी किस नाम से करी थी, कौन से ऑथर के नाम से करी थी, वो उस ऑथर का नेम लिखना होता है यहाँ पे। जो फर्स्ट ऑथर था कौन था, रॉबर्ट एम लिबर्ट। जिस तरीके से आपने मेन एंट्री में आपने लिखा था ए सी आर में, जिस पैटर्न में लिखा था उसी पैटर्न में आपको आर्क में भी लिखना होगा। और डॉलर ई जो होता है उसमें आपको बताना है कि उसकी पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, वो ऑथर है तो आप ऑथर लिख दोगे डॉलर ई में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टैग आता है 245, जिसमें हमें बताना होता है टाइटल स्टेटमेंट। टाइटल क्या है, बुक का टाइटल क्या हमारा क्या था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो आपने वो आपने डाटा में लिख दिया। उसके बाद एडिशन 250 हमारा एडिशन होता है, एडिशन इसमें मेंशन नहीं था इसलिए मैंने डैश लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 260, जिसमें हमें पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा बताना होता है। इसमें डॉलर ए, जो डॉलर ए होता है वो प्लेस बताता है कि प्लेस क्या था, प्लेस हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था ईगलवुड क्लिफ्स न्यू जर्सी, ये रहा हमारा प्लेस, हमने यहाँ लिख दिया। डॉलर बी में हमें क्या लिखना होता है, पब्लिशर लिखना होता है, पब्लिशर हमारा ये रहा ब्रिटेंस हॉल। एंड उसके बाद हमारा डॉलर सी होता है ईयर, तो ईयर हमारा डेट ऑफ पब्लिकेशन है जो कि ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 300 में हमें बताना होता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में डॉलर ए होता है, उसमें आपको पेजेस की इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो पेजेस कितने थे, पेजेस 8,548 हमारे पेजेस हैं। डॉलर सी, डॉलर सी में आपको क्या बताना होता है, बुक का साइज़ क्या है। देखो पेजेस हमें ये गिवन है और साइज़ हमें ये रहा गिवन, तो डॉलर ए में आप लिख दोगे पेजेस और डॉलर सी में क्या लिख दोगे, आप साइज़ लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 700 में आपको बताना होता है एडिड एंट्री फॉर पर्सनल नेम, या तो हम कह सकते हैं ऑथर, जो ऑथर की हमने सेकेंड ऑथर की और थर्ड ऑथर की एंट्री करी थी ना, वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो आपने बताया सेकेंड ऑथर कौन था, हमारा रीटा विक्स नेल्सन। जिस पैटर्न में हमने लिखा था उसी ऑथर में, उसी पैटर्न में आपको ऑथर का नेम लिखना होता है, तो नेल्सन कॉमा रीटा विक्स, ठीक है। देन 700 करके थर्ड ऑथर का नाम भी लिखने वाले, एडिड एंट्री फॉर थर्ड ऑथर भी बना था, तो 700 एडिड एंट्री फॉर ऑथर, तो आप डॉलर ए में ऑथर का नाम लिख दोगे। ऑथर का नाम क्या था हमारा, रॉबर्ट वी केल्स, तो उसको उस पैटर्न में लिखना है केल्स कॉमा रॉबर्ट वी, आपने ऑथर का नाम लिख दिया। उसके बाद 900 हमारा जो टैग होता है उसमें एक्सेसन नंबर आपको बताना होता है। एक्सेसन नंबर हमें क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है, ये रहा, उसमें आप लिख दोगे 6130, जो कि हमारा डाटा में आप मेंशन कर दोगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको मार्क 21 की एंट्रीज करनी होती है जब थ्री ऑथर्स का।